नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे भाप लें, किससे लें। ये पानी ले लीजिए आप, और ये विस्पोरप यानी विक्स, या फिर आप झंडुआम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। ये आपके इन्फेक्शन को रोकेगा और सर्दी खांसी, पहले इसे पानी भर लीजिए अच्छे से आप। और सर्दी खांसी जुकाम होगी, नाक में कोई इन्फेक्शन होगा, बुखार आ रही है या गले में कुछ हुआ है, तो सब में ये कारगर है। तो ऐसे पानी भर लीजिए, इसके बाद आप गैस को ऑन करिए दोस्तों। इसके तरीका है, पूरा फॉलो करिए तभी फ़ायदा होगा। तो ऐसे स्टार्ट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये गर्म होए पहले आप इसको प्रॉपर पहले नहीं डाल के रखें दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। पहले इसको गर्म होने दें, झंडू बाम या विक्स या कुछ भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। ये इन्फेक्शन को रोकेगा और गले को साफ करेगा, और ये पूरा फेफड़ों तक जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे ये विक्स ली मैंने, अब इसको आपको खोल लेना है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपकी इस क्वांटिटी का ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं डालें। पहले देख लीजिए कि भाप पूरी मतलब आने लग जाए दोस्तों, उसके बाद ही पहले चेक कर लीजिए अच्छे से। और चेक करने के बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, थोड़ा सा, जैसे कि मैं जितना ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और जैसे ज़्यादा लोगों का ले रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर में ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से घोल लीजिए दोस्तों, भाप आने के बाद दोस्तों, जैसे ही भाप बनने लग जाए उसके बाद इसको आप घोल लीजिए। ये जो है ये पूरा मिक्स हो जाएगा और ये झाग के रूप में बनने लग जाएगा दोस्तों। तो ये क्या, इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर आपको प्रॉपर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको लेना है, कैसे ये मतलब कितने सेकंड तक आप उसको रोक के रखना है, और प्रॉपर है दोस्तों। और इसके मेरे स्टीमर के रूप में भी मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके मैंने पूरा बना का है। आप चाहे तो झंडुबाम डाल सकते हैं दोस्तों, और प्ले लिस्ट में जाके देखिए, मैंने भाप स्टीमर के रूप से ही बताकर, नॉर्मल वैसे भी बताकर, और ये झंडुबाम और इससे भी बताकर, तो दोस्तों आप वो भी देखिए। अब दोस्तों गैस को बंद कर लेना है आपको, इसको उतार लीजिए, देख लीजिए झाग आ गए दोस्तों, जिस प्रकार इसमें आए उसी प्रकार से आने चाहिए, ये इसमें अच्छे से समा जाएगी दोस्तों। अब आपको प्रॉपर कैसे लेनी है वो बताता हूँ आपको। आप इसके पास में जैसे लेके, अब दोस्तों ऐसे करके खींच लीजिए इसको, मतलब नाक में खींचिए, और कम से कम 7 से 8 सेकंड दोस्तों रखिए, और मतलब फिर खोल लीजिए, अंदर तक फेफड़ों तक जानी चाहिए दोस्तों, आपको खुद को महसूस हो जाएगा। और फिर लीजिए दोस्तों ऐसे करके, और फिर आप 7-8 सेकंड रखिए दोस्तों। लगभग कम से कम आपको 8 से 10 बार इसको ऐसे ऐसे करना है, ये फेफड़ों के अंदर चल जाएगा और आपको पोषक मतलब आपकी जो कोल्ड कफ है या इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा गले का और फेफड़ों का। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, विजिट करिए दोस्तों।